दोस्तों कि आप लोग फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग ऑर्डर किए कैंसिल करना चाहते हैं, या मतलब कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम है, आप लोग फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, आप लोग वहां पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप लोग काफ़ी सारी वीडियो भी देख लिए हैं लेकिन आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों जो तरीका मैं बताऊँगा इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से बस एक क्लिक में फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर पाएंगे। और जैसे आप लोग देखें फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं आपको वीडियो को लाइक करना होगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको फिर यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, फिर कमेंट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है फ्लिपकार्ट, इतना आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देखें टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट ऑप्शन है, इसके जरिए आप लोग फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे मेरे पास ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखें प्रोसेस चल रहा है और ये ऑप्शन आ गए। जैसे हमें यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करना है तो यहाँ पे देखें नीचे होम कैटेगरी नोटिफिकेशन अकाउंट और कार्ट ये ऑप्शन शो करा, तो हमें यहाँ देखें अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखें मेरा नाम वगैरह शो करा, ऑर्डर विश लिस्ट कूपन हेल्प सेंटर ये ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हमें यहाँ फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करना है तो हमें यहाँ हेल्प सेंटर यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखें प्रोसेस चल रहा है, लोडिंग ले रहा है, हमें वेट करना है और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ गए और यहाँ पे देखें जो जो आपके ऑर्डर होंगे यहाँ पे शो करें, जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप लोग अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किए हैं फिर आपको देखें बात करना है यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो आप लोग कोई ऑर्डर कर लीजिए कैंसिल कर दीजिए फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर जैसे कोई भी आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ, अब जैसे मुझे यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करना है, इससे रिलेटेड मुझे कोई बात करना है तो हमें यहाँ पे देखें नीड हेल्प नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखें हाई का मैसेज आ गया है, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, या देखें वाई वाज माई ऑर्डर कैंसिल आई डू नॉट वांट टू कैंसिल और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है। दूसरे से आप लोग कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला, तो यहाँ देखें समथिंग लेस हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखें प्लीज टाइप, दोस्तों यहाँ पे आपकी क्यों प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको देखें यहाँ पे मैसेज करना होगा, तो यहाँ पे देखें मैं ऐसे कर देता हूँ कॉल, यहाँ पे देखें इतना मैसेज कर दिया हूँ कॉल, तो यहाँ पे देखें जैसे कॉल किया हूँ दोस्तों फिर भी यहाँ पे देखें कॉल कब से ऑन नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ फिर यहाँ देखें मैसेज वाले पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कर देता हूँ प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे इतना यहाँ पे मैसेज कर दिया हूँ, जैसे किया हूँ तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ गए और यहाँ डू यू स्टिल नीड हेल्प, आपको देखें नो आई एम गुड माई इश्यू नॉट इन रिसॉल्व, जैसे आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं हुई तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए। दोस्तों यहाँ पे लेकिन कहीं भी आपको देखें कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप लोग बात करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको देखें नया तरीका बताऊंगा इसके जरिए आप लोग बात कर पाएंगे, तो आपके यहाँ मैसेज वाले पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे देखें मैसेज को टाइप करना है फ्रॉड इतना लिखना है, जैसे इतना लिखेंगे इसको मैसेज को सेंड कर देना है, इतना लिखने के बाद आप लोग देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ गए, यहाँ रिक्वेस्ट कॉल और एंड चैट यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं मिल रहे। जैसे हमें यहाँ पे देखें कस्टमर के बात करना है, यहाँ पे देखें काफ़ी सारे मैसेज किया हूँ लेकिन कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे ये हिडन ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ तो यहाँ पे देखें कॉल का ऑप्शन आ गए, तो हमें यहाँ रिक्वेस्ट कॉल यहाँ पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आप लोग कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे बात करना चाहते हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो यहाँ हिंदी कर देता हूँ और फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए। आपके देखें इसमें से जो नंबर कनेक्टेड होंगे यहाँ पे शो करेंगे, जैसे मेरे दो नंबर कनेक्ट हैं तो यहाँ पे देखें दोनों नंबर शो करें, जिस नंबर पे आप लोग कॉल चाहते हैं आपको वहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे यहाँ पे किया हूँ तो यहाँ पे देखें ये मैसेज भी आ गए है कि यहाँ पे दो मिनट में कॉल आ जाएगा। अब आप लोग देखते हैं मेरे पास कॉल भी आ गए, तो यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट से कॉल कर रहे हैं, आप लोग सुन सकते हैं, हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे देखें म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे देखें आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि आप लोग कैसे बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें कॉल लग गए, आप लोग सुन भी सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉल लग गए हैं, उधर से आवाज़ भी आ रही है, जैसे मुझे यहाँ पे देखें मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, मुझे बात नहीं करना, सिर्फ आपको ट्रायल करके दिखा रहा था, तो यहाँ पे देखें मैं म्यूट कर दिया हूँ। दूसरे से आप लोग कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो यही बेस्ट ऑप्शन है, इस तरह आप लोग फॉलो करेंगे तो इस तरह आप लोग फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम को बता देना है तो यहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक होगी ये लोग सॉल्व कर देंगे, तो इस तरह आप लोग बहुत आसानी से फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं।